हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं आज आप लोगों को हाफ कार्डिगन में केबल बताने के लिए जा रहा हूँ। हाफ कार्डिगन में केबल कैसे बनाएंगे? अभी हम वन बाय वन हाफ कार्डिगन बना रहे हैं जनरली, क्योंकि अगर हम सारी नीडल्स के साथ हाफ कार्डिगन बनाएंगे तो केबल बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, टू बेड की मशीन। ठीक है, तो वन बाय वन हाफ कार्डिगन हाफ कार्डिगन बनाने के लिए सबसे पहले तो इसका बेस हम यहाँ पे ठीक करते हैं। इसके हिसाब से हमारे को यहाँ पे 20 नंबर लगा के ऊपर हमने लगाया 2 नंबर, इसके फ्रंट पे हमने ये 1 बाई 1 हाफ कार्डिंग है। नीचे ट्रांसफर वाली लाइन को हम ऊपर तक कॉपी नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर वाली लाइन को ऐसे ही रहने देते हैं और उसके ऊपर वाला जो हाफ कार्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको मान लो यहाँ पर हम 3 बाई 3 या 2 बाई 2 का खेल, मतलब इन दोनों को उठ के यहाँ आना है और इन दोनों को उठ के यहाँ, तो इसके लिए हम मॉड्यूल मॉड्यूल में हम नक वाली लाइन नीचे रखते हैं और नेट वाली, क्योंकि यहाँ नेट वाली लाइन है तो इसको ट्रांसफर करना इजी होगा क्योंकि एक लूप हो गए, नक वाली लाइन में 2 लूप, इसीलिए हम इतने पोर्शन को उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं। इसके बाद हम राइट क्लिक करके एक मॉड्यूल का कोई भी फेस निकाल लेते हैं ताकि हमें फ्लैग व्लैग बनाने की जरूरत ना पड़े। आप अगर टोटल बनाना चाहते हो तो पिछले वीडियोस मैंने सिखाए हुए हैं, पर अभी इसको फास्ट में जब हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है मॉड्यूल बनाया हुआ फ्लैग व्लैग लगी दोबारा मेहनत करना बेवकूफ, पर समझने के लिए आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइन बना ली ताकि हम इसको यहाँ सेट कर सकें, ये पोर्शन को हम लेके यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सोचते हैं, अब सबसे पहले यहाँ जो 101 नंबर दिया हुआ है इसे हमें 1 नंबर पे कन्वर्ट कर, ये अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों करना पड़ता है। अभी फिलहाल आप ये जान लो इसे 1 नंबर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हर चीज डिटेल में मैं इस वीडियो में, क्योंकि किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हम यहाँ पे काट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम करता हूँ कि अगर मान लो केबल इस तरफ से इस तरफ को जाते हुए दिखाना है तो इन केबल्स को आपको इस नेट को आपको बैक पे भेजना है, तो बैक पे भेजने के लिए 100 नंबर हम यूज करेंगे। ये दोनों नेट बैक पे चली गई, यहाँ के भी दोनों नेट हमने बैक पे दे, ये नेट ऑलरेडी बैक पे है, ये नेट भी ऑलरेडी बैक पे है, इस नेट को हमें ट्रांसफर करनी है क्योंकि ये वाली नेट्स यहाँ आएंगी और ये वाली यहाँ जाएंगी, ये वाली पहले आएंगी और ये वाली बाद में जाएंगी, तो ये बैक पे दिखेगा, ये फ्रंट पे दिखेगा अगर हम केबल इस डायरेक्शन को बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 पिच इस डायरेक्शन को आ जाएंगे, ये देखो 1 2 3 4, 4 घर आना पड़ रहा है, इसको भी 1 2 3 4 और इसे भी 1 2 3 4, इन सभी को हम फ्रंट पे रखेंगे, बैक कुछ नहीं रखेंगे फिलहाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पिच फ्रंट पे यहां से आ जाएगा, तो ये वाला लूप हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला लूप यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा,
क्योंकि इसका फ्रंट खाली हो चुका है तो ये किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट इसी का ऑपोजिट यानी इस तरफ से हम एक एक चार चार कर इधर आ जाएंगे, बीच वाले को लाने की जरूरत है। अब क्या है, ये फ्रंट पे आ गया, ये भी सारे फ्रंट पे आ गए, क्रॉसिंग होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्रेकेज आ रही हो या फिर आपका वो सही ढंग से नहीं बन रहा हो तो आप इसको वन बाय वन करके भी ले जा सकते, मतलब आप ऐसे भी जा सकते। इसमें टाइमिंग एक ज़्यादा लग जाएगी। आपका अगर धागा अच्छा है, इलास्टिक है उस पर, तो आप डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हो, शायद बन जाए। अगर नहीं बनता है तो आप इसको वन बाय वन के तौर पे जा सकते, फिर भी नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा इस पोर्शन में स्पीड कम कर सकते। अब हम आ गए यहाँ तक, अब ये हमारा चला गया था, ये वाला आ गया है फ्रंट पे, ये वाला भी आ गया फ्रंट पे। अब हमने इनको बैक पे भेजना है वापस, तो 100 नंबर हमने लगाना है, वो हमने यहाँ पे ताकि ये बैक पे चला जाए। अब ऊपर के जितने ये पोर्शन खाली पोर्शन बच गए उनको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल पेज देखते हैं। मॉड्यूल पेज में जो पहला वाला मॉड्यूल का है, आप ये बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो ये आप छोड़ भी सकते हो। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, वो ये है कि इसको हम कास्ट ऑफ कर देते, थोड़ा सेफ। अगर ऐसे बन गया पड़ जाए तो ठीक है, वो धागे पे भी डिपेंड करता है, केवल आप स्ट्रक्चर पे नहीं आ सकते। यहाँ पर अगर हम इसको फ्रंट बैक नेट करवा के फॉल करवा दें तो ये लूप बड़ी हो जाएगी। इनको 10 नंबर चला दिया, 10 नंबर चलाने से क्या हुआ, पीछे का बेड खाली था वो निट कर गया। अब उस बेड को हमने गिरा दिया, गिराने के लिए हम 17 नंबर यूज करेंगे बैक फॉल, तो हमने बैक को फॉल कर दिया। इससे क्या होगा, ये लूप ये लूप ये लूप ये लूप बड़े हो जाएंगे। अगर बिना बड़ा किए हुए आपका डिजाइन बन जा रहा है, आपके धागे में बन जा रहा है, या मोटी गेज में बना रहे हो उसमें बन जा रहा है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे करने से थोड़ी सी क्लेरिटी खराब होगी आपकी। अगर उससे भी मतलब दोनों के बीच में कुछ करना चाहते हो तो आप एक को हटा सकते हो, क्योंकि इसे खींच के जाना है यहाँ, इसे खींच के जाना है यहाँ। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाले बीच वाले को डबल निट कर लेते हैं और फ्रंट को गिरा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये दोनों भी थोड़े थोड़े लंबे हो जाएंगे। अगर उतना से काम हो जाता है, ये बैक वाले को चाहे आप पूरा लंबा कर लो, लेकिन जिसको आपने फ्रंट पे रखना है उसमें आप केवल बीच वाले को भी कर सकते हो। अभी मैं वो करके दिखाता हूँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमने फ्रंट पे रख लिया, हमने बीच वाले को बैक पे कर लिया, और यहाँ पर हमने बैक गिराने की जगह फ्रंट गिरा दी, क्योंकि फ्रंट पे कुछ था नहीं, हमने अभी लूप बनाई है तो हम उसे गिराएंगे तो कपड़ा खुलेगा। अब ये वाली जो लूप खुलेगी, ये खुल के हल्की सी इस पे जाएगी, हल्की सी इस पे जाएगी, तो लूप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर शायद इतना हो जाए कि यहाँ तक खिंच जाए तो क्लियरिटी अच्छी आएगी ड्राइंग। अब इस पोर्शन को देखते हैं, इस पोर्शन में हमने पहला ग्रुप बनानी है जहाँ पे ये धागा चल रहा है, उसके बाद से हमारा ये दूसरा ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप का मतलब होता है, या पेज का मतलब होता है ग्रुप, तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक ग्रुप कर दिया। इसमें एक निटिंग की लाइन आई, बाद बाकी ट्रांसफ़र की आई। जो ट्रांसफ़र की लाइन है उसके आगे आपने कैंसिल भी चलाना, कैंसिल वीविंग यहाँ पे नहीं चलेगा, इसके ऊपर तक चलेगा। अभी देखो कैंसिल वीविंग,
आप राइट क्लिक करोगे तो सेट कैंसिल वे, मतलब एक नंबर, हमने यहाँ से यहाँ तक एक नंबर चला दिया, मतलब इस जगह पे कोई धागा नहीं चलेगा, केवल नेट होगी, नेट को ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे धागा चलेगा और यहाँ पे यार्न चलेगा। अब आप आ जाओ नंबर 17 में, 17 में ये फीडर लगी हुई है, हमें ये फीडर नहीं चाहिए, हम नीचे जिस फीडर से डिजाइन बना रहे हैं उसी फीडर से हमारा पूरा डिजाइन बनना चाहिए, तो हमने इसे हटा दिया, क्योंकि एक लाइन में हमारा यहाँ कोई जकार्ड नहीं बन रहा है, एक लाइन में एक ही फीडर चल रही है, तो नीचे जो फीडर लगी हुई है वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से डिजाइन बन जाएगा। अब इस हम 120 नंबर, एक बार यहाँ चला एक बार यहाँ चला, तो दो लाइन 120 का हमें नीचे डिजाइन में लगाना होगा, और वो कहाँ लगाना होगा, पहला लाइन लगेगा हमारा टक वाले लाइन पे, दूसरा उसके ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है, ये आ गया हमारा पहला टक वाले लाइन पे और दूसरा उसके ऊपर वाले लाइन, ये आप चाहे जितना बना लो। अभी हम दो बना दें, अब एक नंबर लाइन पे हमें मॉड्यूल पेज लगानी पड़ेगी, ये पहले वाले लाइन टक वाले लाइन पे हमने लगाया एक नंबर और उसके ऊपर लगाया दो नंबर, हमारे पास दो ही पेज है, एक नंबर दो नंबर, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। पहले सेव किया, ये ऑलरेडी खोला हुआ है लगता है, फाइल सेव इज करते हैं सेकंड, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम इस पोर्शन को, ये पहले हम धागा इसका चेंज कर देते हैं, अदरवाइज क्या है कि अलग अलग धागे में दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, अब इसकी फैब्रिक में देखते हैं, ये हमारा केबल बन गया, हाफ कार्डिगन में हमने केबल बना लिया, डिजाइन बना सकते। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।